दोस्तों आज हम लोग 1-25x² आपका जो दूसरा सवाल है वो 4x² - 9/y² जो आपका तीसरा सवाल है वो है 100x² - 9/y² को कैसे हल करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं a² - b² = a + b, यस ये फार्मूला होता है ना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो ये आपका जो 1-25x² है इसके फॉर्म में लाना होगा, इसके फॉर्म में लाना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1² - 5² और x² यस, क्योंकि 25 5² के बराबर है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप कर सकते हैं 1² - जब इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं हम 5x² होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसका जो a² - b² है इसके फॉर्म में ये है 1² - 5x² होल स्क्वायर है ना। जैसे इस पर स्क्वायर हो, इस पर स्क्वायर हो, इसके फॉर्म में हो तो एक में जोड़ेंगे दूसरे में घटाएंगे। पहले में लिखेंगे आप 1+5x, दूसरे में लिखेंगे आप 1-5x, ये आपका आंसर ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2² x² - 9 को लिख सकते हैं 3² क्योंकि 3² 9 के इक्वल है, 9 के बराबर है, बटे y² यस। इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं 2x² होल स्क्वायर - इस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3/y² होल स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्म है इससे मिलता जुलता है, a² - b² से मिलता जुलता है ठीक है। फिर बराबर क्या करेंगे, एक में लिखेंगे आप 2x + 3/y, दूसरे में a - b, दूसरे में क्या लिखेंगे 2x - 3/y, ये आपका हो गया है ना। फिर चलो इसको सॉल्व करते हैं, 100 को लिख सकते हैं हम 10² क्योंकि 10² 100 के बराबर है, x² ऐसे रहेगा, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3² y² ऐसे रहेगा। अब इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं हम 10x² होल स्क्वायर, 10x² होल स्क्वायर ठीक है, माइनस 3/y² होल स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्म इससे मिलता जुलता है, एक में जोड़ेंगे ब्रेकेट में और दूसरे ब्रेकेट में घटाएंगे, 10x - 3/y, फिर लिखेंगे 10x + 3/y, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।